सहरसा में आपसी विवाद में एक 25 वर्षीय युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर के बीच चौराहे पर वारदात को अंजाम दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला चौक की। मृतक युवक का नाम जो मोहम्मद जक्की बताया जा रहा है, जो सहरसा बस्ती में एक किराए के मकान में रहता था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोहम्मद जक्की तिवारी टोला चौक पर किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आनन फानन में युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो आपसी विवाद में बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या की है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन जिस तरह शहर के बीच सड़क पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, इससे पुलिस प्रशासन का भय समाप्त होता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि मृतक के भाई और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।